क्लास 7 चैप्टर 2 फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। क्वेश्चन 4 इज ऑफ एक्सरसाइज 2.7। फर्स्ट पॉइंट इज 7.9 डिवाइड 1000। अभी देख 7.9 अगर पॉइंट के बाद जितनी भी डिजिट होंगी डाउन में उतनी ही जीरो आएंगी। अभी यहाँ पे पॉइंट के बाद वन डिजिट है तो वन ऑलवेज मीन्स ऑलरेडी होता है। नाइन पॉइंट के बाद वन डिजिट है तो 10। अगर पॉइंट के बाद टू डिजिट होंगी 20। थ्री डिजिट होंगी तो 30। अगर यहाँ पे पॉइंट के बाद वन डिजिट है तो अपन 10 ही लगाएंगे। गॉट इट। डिवाइड 1000। कोई भी डिजिट के डाउन में अगर कोई डिजिट नहीं है तो ऑलवेज क्या होता है वन। ओके अब यहाँ पे क्या बचा ओनली 79 बिकॉज अपन यहाँ पे पॉइंट हटा दिया है। 79 अपॉन में 10 डिवाइड की प्लेस पर मल्टीप्लाई लगाएंगे तो उसके बाद वाला जो भी फ्रैक्शन होगा उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा मीन्स अपोजिट 1 अपॉन में 1000। नेक्स्ट कंडीशन इज 79 वन जो 79 अपॉन में 1 वन जो 1 और 0 1 2 3 4 डिजिट। गॉट इट। अब 4 डिजिट हैं तो 4 0 हैं तो 4 डिजिट के ऊपर पॉइंट आएगा यहाँ पे। लेकिन अपने पास ओनली 79 है 2 डिजिट हैं तो 20 और लगा लेंगे तो 4 डिजिट हो जाएंगी 0.0। ओके आप लोग 0 बिफोर ही लगाना है ना कि आफ्टर। ओके क्योंकि बिफोर ही अपन को पॉइंट लगाना है। ओके दिस आंसर। सेकेंड पॉइंट इज 26.3। 26 पॉइंट है तो पॉइंट हटा देंगे। ओके यहाँ पे 0 हो जाएगी क्योंकि पॉइंट के बाद 1 डिजिट है 10। अब यहाँ पे देखिए अगर कोई डिजिट के डाउन में यहाँ पे 1 होगा ठीक है कुछ नहीं तो 1 तो ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। पहले अपन मल्टीप्लाई लगाएंगे तब इसका रेसिप्रोकल होगा तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में 1000। ओके तो 263 पॉइंट हटा दिया पॉइंट नहीं आएगा तो अपॉन में 1 कितनी 0 4 1 2 3 4। ओके तो अब यहाँ पे 4 0 है तो 4 डिजिट होना चाहिए 263। ओनली 3 डिजिट है अपने पास तो 10 और लगा दें 1 2 3 4। ओके 4 डिजिट आ गए अपने पास क्योंकि 4 0 थी तो यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे 0। ओके दिस इज आंसर। थर्ड पॉइंट इज 38.53 डिवाइड 1000। तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे यहाँ पे 2 डिजिट है तो डाउन में 2 0 आ जाएंगी। ओके डिवाइड की प्लेस है मल्टीप्लाई इसके डाउन में 1 है तो 1 अपॉन में 1000 हो जाएगा। ओके 3853 सेम आएगा क्योंकि 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम डिजिट आएगी अपॉन में 1 1 1। अब ये कितनी 0 है 3 and 2 5 तो 5 डिजिट के बिफोर पॉइंट आएगा 3853 राइट कर लिया। अपने पास 1 2 3 4 ही डिजिट थी अपने पास। ओके तो 5 डिजिट चाहिए थी क्योंकि 5 0 है तो 10 और लगा देंगे तो टोटल 5 डिजिट हो जाएंगी 0.0। नेक्स्ट पॉइंट इज 128.9 डिवाइड 1000। तो यहाँ पे देखिए पॉइंट हटाएंगे तो 1 डिजिट है तो 10 मल्टीप्लाई जैसे ही मल्टीप्लाई लगाएंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा मीन्स इसके डाउन 1 है तो 1 अपॉन में 1000। ठीक है 1289 अपॉन में कितनी 0 आ गई 3 and 1 4 तो 4 0 है तो 4 डिजिट के ऊपर पॉइंट आ जाएगा। 4 0 ऑलरेडी अपने पास है तो 0। दिस इज आंसर। लास्ट पॉइंट इज 0.5 डिवाइड 1000। 0.5 पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो पॉइंट हटाकर अपॉन में 10। ओके डिवाइड के प्लेस मल्टीप्लाई लगाएंगे तो इसके डाउन 1 है तो 1 अपॉन में 1000। 5 1 5 डाउन में टोटल 30 and 10 50 30 and 1 4। गॉट इट। 3 and 1 4 टोटल 40 तो 40 है तो 4 डिजिट के 4 पॉइंट आना चाहिए तो यहाँ पे ओनली 5 है तो यहाँ पे 4 डिजिट होना चाहिए तो 30 और लगा लेंगे तभी टोटल 4 डिजिट होंगी तो 0.0। दिस इज आंसर। क्वेश्चन 4 कंप्लीटेड। फिफ्थ क्वेश्चन इज फाइंड 7 divided 3.5। अभी देखिए 7 है तो 7 upon 1 डिवाइड की प्लेस पर डिवाइड। अभी देखिए ये अपोजिट हो गया मीन्स अब पॉइंट यहाँ आ गया पहले यहाँ पे राइट था ठीक है तो अब यहाँ आ गया तो 3.5 ठीक है। सेम कंडीशन जहाँ भी पॉइंट होगा वहाँ का पॉइंट इस तरीके से अपन हटाएंगे तो यहाँ पे 1 ऑलरेडी होता है पॉइंट पर 1 डिजिट है तो 10। ओके 7 upon 1 ठीक है। बस इतना याद रखिए कि अगर इस तरीके से कोई डिवाइड लगा है किसी भी फ्रैक्शन के बिटवीन तो फर्स्ट फ्रैक्शन ऑलवेज एज इट इज ट्राइड करते हैं फर्स्ट फ्रैक्शन को
और अगर यहाँ पे जैसे ही मल्टीप्लाई लगाते हैं तो उसके पहले वाली डिजिट रेसिप्रोकल नहीं होगी, ऑलवेज उसके बाद वाली होगी। ठीक है, डिवाइड के आफ्टर जो भी डिजिट है मल्टीप्लाई लगाने के बाद उसका रेसिप्रोकल हो जाता है इस तरीके से। गोट इट? ऐसा नहीं करना है कि पॉइंट यहाँ पे आ गया तो इसका रेसिप्रोकल करना है, नहीं। ऑलवेज की बात करते हैं, ऑलवेज मीन्स जो भी फर्स्ट फ्रैक्शन है वो ऑलवेज एज इट इज, जैसे मल्टीप्लाई लगाते तो ऑलवेज उसके बाद वाला ही फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल होगा। गोट इट? इतनी बात समझ आई। अब इसके बाद में अगर ये कट हो रहा है, ठीक है, इसके डाउन में जीरो नहीं है तो अपन इसके की जीरो हटाकर पॉइंट लगाएंगे, जीरो नहीं है तो अपन डायरेक्टली जो डिजिट कट हो रही है तो कट कर देंगे। सेवन वन जी सेवन, सेवन फाइव जो 35। अब यहाँ से 5 से 10 भी कट हो रहा है, 5 वन से 5, 5 टू जो 10, तो अपने पास आंसर कितना आ गया, ओनली 2, बिकॉज 2 वन जा 2, दिस इज आंसर। अभी देखिए नेक्स्ट पॉइंट 36, सेम कंडीशन है 36, ओके, इसके डाउन में 1 लगा लेंगे, डिवाइड 0.2 है तो 0.2 पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10, क्योंकि 1 डिजिट है तो 10। अब यहाँ पे क्या है 36 अपॉन में 1, डिवाइड की प्लेस पर मल्टीप्लाई, तो उसके बाद वाली डिजिट का ही रेसिप्रोकल होना है, तो ये हो जाएगा 10/2। ठीक है, तो अब इसको कट कर देंगे, 2 वन ज़ा 2 और 2 8 ज़ा 16। गोट इट? अब यहाँ पे क्या बचा, 18 मल्टीप्लाई 10, तो ये कितना हो गया 180, दिस इज आंसर। नेक्स्ट पॉइंट इज थर्ड 3.25। अभी देखिए दोनों में पॉइंट लगा हुआ तो दोनों के पॉइंट हटाना पड़ेगा और डाउन में जीरो लगाना पड़ेगी, तो 3.25 तो पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 20, डिवाइड के प्लेस पर डिवाइड 0.5, पॉइंट हटाएंगे यहाँ पे 1 डिजिट है तो 10 को डिट, तो अब इसके बाद में डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे, 325 बचा यहाँ से, ओके, अपॉन में 100, डिवाइड के प्लेस पर मल्टीप्लाई लगाएंगे तो उसके बाद वाली डिजिट का रेसिप्रोकल हो जाता है, क्योंकि डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया है, तो 10/5 हो जाएगा, 5/10 है तो 10/5 अपोजिट हो जाएगा। तो अब ये देखिए जो डिजिट कटी है तो इसको कट कर देंगे, ये देखिए 10 से 10 कट हो गई, 5 से 325 कट हो रहे हैं, 5 वन ज़ा 5, 5 6 ज़ा 30, 2 बचेगा 25 हो जाएगा, 5 5 ज़ा 25। अब अपने पास क्या क्या बचा है, अब ये देखिए 65 यहाँ पे कोई नहीं है, यहाँ पे 10 है, 10 वन ज़ा 10। अब ये देखिए तो मीन्स इसी तरीके मैंने बताया, अगर डाउन में कोई 0, 10, 10, 100, 1000 तरीके से आते तो डायरेक्टली अपन जितनी जीरो है उतनी डिजिट के ऊपर पॉइंट लगाइए, सेम 65, 10 है तो 1 डिजिट की 4 पॉइंट, दिस इज आंसर। नेक्स्ट पॉइंट 30.94, तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे 2 डिजिट है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 20, डिवाइड 0.7 है तो पॉइंट हटाएंगे यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 डिजिट है तो 10, ओके। अब यहाँ पे इसको एज इट इज राइट करेंगे, अपॉन में 100, डिवाइड के प्लेस में मल्टीप्लाई लगाएंगे तो उसके बाद वाले फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल हो जाएगा, ओके। तो अब इसको कट कर देंगे, 10 से 10 कट, ये 7 से कट हो रहा है या नहीं ये देखते हैं, ये देखिए 7 बन जा 7, 7 4 ज़ा 28, तो यहाँ से 2 बचेगा तो ये 29 हो जाएगा, 29 हो गया, फिर से 7 4 ज़ा 28, 1 बचेगा तो 14 हो गया, 7 2 ज़ा 14, ओके। तो कितना बचा, 4 4 2 444 अपॉन में 10 बचा और 10 है तो 1 डिजिट के बिफोर ही पॉइंट आएगा, यहाँ पे 1 डिजिट के बिफोर पॉइंट, दिस इज आंसर। फिफ्थ पॉइंट इज 0.5, पॉइंट हटाएंगे यहाँ पे 10 आ गया, डिवाइड 0.25 है तो पॉइंट हटाएंगे, 2 डिजिट हैं तो 20 आ जाएंगी, तो ये हो गया 5/10, डिवाइड के प्लेस मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई लगा दिया तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये कट हो जाएगा, 10 से 10 कट, 5 वन ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, तो अब यहाँ पे क्या बचा, 10 वन ज़ा 10 अपॉन में 5, 5 बचे तो 5 से कट हो जाएगा, 5 वन ज़ा 5, 5 टू ज़ा 10, ओके। तो आंसर अपने पास कितना आ गया फिफ्थ का, 2, ओके, दिस इज आंसर। नाउ वी हैव टू नेक्स्ट पॉइंट।
अभी देखिए 7.75 पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे 20 बिकॉज यहाँ पे 2 डिजिट हैं, डिवाइड 0.25 पॉइंट हटाएंगे तो 20 तो यहाँ पे 2 डिजिट है इसी 20 तो ओके तो इसको एज इट इज राइट कर देंगे। डिवाइड की प्लेस पर जैसे ही मल्टीप्लाई लगाती है तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा अपॉन में 25। ओके तो अब ये देखिए 100 से 100 कैंसिल बच गए यहाँ पे, ये देखिए 775। ओके यहाँ से 25 तो अभी किससे कट हो रहा है, ये देखिए 5 से 5 5 जा 25 5 1 जा 5 तो यहाँ से 2 बचेगा तो 27 हो गया, 5 5 जा 25 2 बचेगा 25 हो गया। ओके तो यहाँ पे 5 5 जा 25 अभी भी कट हो रहा है, 5 1 जा 5 5 3 जा 15 5 1 जा 5 तो आंसर कितना आ गया अपने पास 31। दिस इज आंसर। नेक्स्ट पॉइंट इज 76.5 तो पॉइंट हटाएंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 बिकॉज 1 डिजिट है, डिवाइड 0.15 तो पॉइंट हटाएंगे पॉइंट का 2 डिजिट है तो 20। ओके इसको एज इट इज राइट कर देंगे अपॉन में 10 डिवाइड के प्लेस पर मल्टीप्लाई, अब ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 100 अपॉन में 15। ओके अब इसको अपन कट करेंगे 10 से 10 कट। ओके अब क्या बचा है यहाँ पे, ये राइट कर लेंगे 765 मल्टीप्लाई 10 अपॉन में 15 1 जा 15। ओके अभी देखिए क्या कट हो रहा है यहाँ से 5 2 जा 10 5 3 जा 15 कट हो गया। ओके अब 3 से ये कट हो रहा है, ये देखिए 3 1 जा 3 3 1 जा 3 3 2 जा 6 बिकॉज यहाँ पे 7 था, 3 2 जा 6 1 बचेगा तो 16 हो गया, 3 5 जा 15 1 बचेगा 15 3 5 जा 15। ओके अब कितना बचा 255 मल्टीप्लाई 2 तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 2 5 जा 10 1 केडी 5 2 जा 10 1 11 2 2 जा 4 एंड 1 5 510। दिस इज आंसर। नाउ वी हैव टू नेक्स्ट पॉइंट 37.8 पॉइंट हटाएंगे तो 10 आ जाएगी, डिवाइड 1.4 सेम कंडीशन 1 डिजिट है तो 10। अब यहाँ पे देखिए इसको एज इट इज राइट कर देंगे डिवाइड के प्लेस से मल्टीप्लाई तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 14। ओके ये 10 से ये 10 कैंसिल, अब यहाँ से ये 2 से कट हो रहा है 2 7 जा 14 2 1 जा 2 ओके 1 1 से 17 हो गया 2 8 जा 16 और ये 18 हो गया 2 9 जा 18। ओके तो यहाँ पे क्या आ गया 189 अपॉन में 7। ओके ये 7 से कट हो रहा है देखते हैं 7 1 जा 7 7 2 जा 14 4 बचेगा तो ये 7 7 जा 49 आंसर अपने पास कितना आ गया 27। दिस इज आंसर। नेक्स्ट पॉइंट इज 2.73 पॉइंट का 2 डिजिट है, पॉइंट हटा 20 आ जाएंगे, डिवाइड 1.3 पॉइंट हटाकर 10 तो अब ये देखिए 273 ओके अपॉन में 100 मल्टीप्लाई लगाया तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 10 अपॉन 30। ओके अब ये देखिए 0 से 0 कैंसिल। ओके तो अब ये देखिए 13 से ये कट हो जाएगा 13 1 जा 13 13 2 जा 26 27 26 1 बचेगा 13 13 1 जा 13 तो क्या आ गया यहाँ पे 21 अपॉन में 10 10 है तो 1 डिजिट के बिफोर पॉइंट। ओके दिस इज आंसर। क्वेश्चन 5th कंप्लीटेड। 6th क्वेश्चन इज अ व्हीलर कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 43.2 किलोमीटर इन 2.4 लीटर ऑफ पेट्रोल, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। एक व्हीकल है 43.2 किलोमीटर के डिस्टेंस से 2.4 लीटर में कवर करती है तो मीन्स क्या है कि हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 1 लीटर में कितना कवर करेगी। ओके 1 लीटर पेट्रोल में कितना कवर करेगी तो अब ये बताइए किसमें ज्यादा का गिवन है और कम का फाइंड करना हो तब क्या होता है डिवाइड होता है मैंने बताया था। और अगर कम का गिवन है जैसे कि 1 का गिवन है 10 का फाइंड करना है ज्यादा का फाइंड करना है तब मल्टीप्लाई होता है।
गोट इट। अब इसमें 2.4 लीटर का गिवन है और 1 लीटर का फाइन करना, मीन ज्यादा का गिवन है कम का फाइन करना हो तब डिवाइड होता है। तो अभी देखिए सिक्स क्वेश्चन। इन 2.4 लीटर ऑफ पेट्रोल, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि 2.4 लीटर का ही तो गिवन है तो पहले भी राइट करेंगे 2.4 लीटर ऑफ पेट्रोल। डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हीकल, डिस्टेंस कितनी है 43.2 किलोमीटर, और फाइंड करना 1 लीटर का। इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हीकल 43.2 डिवाइड 2.4, क्योंकि डिवाइड करना है अपन को 2.4 में। ओके, 43.2 पॉइंट हटाएंगे तो 10 डिवाइड 2.4 पॉइंट हटाएंगे तो डाउन 10, ठीक है। 432 अपॉन में 10 डिवाइड करने से मल्टीप्लाई, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, अभी कट हो जाएगा, 10 से 10 कट हो जाएगा, अब इसको कट कर देंगे, 12 2 24, ओके, 12 3 36 43 है तो कितना है 12 3 36, ओके, तो कितना बचेगा यहाँ से 7 बचेगा तो फिर 72 हो जाएगा, तो 12 6 72, कितना आ गया 36 अपॉन 2, तो ये भी कट हो जाएगा, 2 1 2 2 1 2 1 बचेगा 16, 2 8 16, तो आंसर कितना आ गया अपने पास 18 किलोमीटर। ओके, आंसर राइट कर देंगे, दस इट कवर्ड 18 किलोमीटर डिस्टेंस इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, ठीक है, कितना डिस्टेंस कवर करेगी 1 लीटर में 18 किलोमीटर। ओके, दिस इज आंसर। सिक्स क्वेश्चन कंप्लीटेड, सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज एंड ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू सो मच।